नमस्कार, चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज पवित्र बाइबल में से मैं आपसे एक बात आपको बताना भी चाहता हूं और आपसे पूछना भी चाहता हूं। अगर आज रात स्वर्गदूत आपके पास आ जाए तो वो आपको परमेश्वर का क्या संदेशा देगा? फिर से, अगर आज रात कोई स्वर्गदूत आपके पास आ जाए तो वो आपको क्या संदेशा देगा परमेश्वर की ओर से? क्या संदेशा आपके लिए लेकर आएगा? आप आज इस पे मनन कीजिएगा। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10:3-4। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को संदेशा देकर भेजा दिन दोपहरी कि तेरी प्रार्थना, हे कुर्नेलियस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर की हजूर में पहुंचे हैं। मैं सोचता हूं कि स्वर्गदूत ने आकर कहा, शाबाश, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत खरा है, तो परमेश्वर का भय मानने वाला है, निजमत रूप से लगातार प्रार्थना करने वाला है और गरीब लोगों को दान देने वाला है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आकर उसे शाबाशी दे रहा है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा उसके लिए, उसे यह कहने के लिए, शाबाश, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम गिनती की पुस्तक उसका 22 में पढ़ते हैं, गिनती 22:32, अगर 31 से पढ़ें तो 31:32 में पढ़ता हूं। तब यहोवा ने बलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधे को 3 क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। तेरा विरोध करने के लिए मैं ही आया हूँ क्योंकि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। तो यहाँ पर भी स्वर्गदूत आया, यहाँ पर भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत आकर बलाम से यह कहता है, क्या कहता है? तेरा विरोध करने के लिए मैं आया हूं क्योंकि तू उल्टी चाल चलता है। स्वर्गदूत कुर्नेलियस के पास भी आया और स्वर्गदूत बिलाम के पास भी आया। सो बिलाम के पास आकर स्वर्गदूत कहता है कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है, उल्टी चाल चलता है, इसलिए मैं तेरा विरोध करने के लिए आया हूं। लेकिन कुर्नेलियस से आकर स्वर्गदूत कहता है कि तू सच्चाई के साथ चल रहा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के हजूर में पहुंचे हैं। तो आज बस मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आज रात आपके पास स्वर्गदूत आए, आज रात अगर आपके पास स्वर्गदूत आए तो आपसे क्या कहेगा कि परमेश्वर बहुत प्रसन्न है तेरे से, तू बहुत अच्छा है, बहुत सच्चाई से साथ चलता है, परमेश्वर का भय मानता है, निजमत रूप से प्रार्थना करता है और बहुत दान देने वाला है, या ये कहने के लिए स्वर्गदूत आपके पास आएगा, परमेश्वर उसे भेजेगा कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है, उल्टी चाल, इसलिए मैं तेरा सामने करने के लिए आया हूं। तो आपको आज विचार करना है कि आपके पास स्वर्गदूत आए तो क्या कहे। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके पास स्वर्गदूत आए तो आपसे ये कहे कि आप बहुत अच्छे हो, परमेश्वर आपको याद कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप परमेश्वर का भय मानने वाले हो, आप लगातार प्रार्थना करने वाले हो, एतवार की आराधना का आदर करने वाले हो, एतवार के दिन का, और आप उपवास रखने वाले हो, वचनों को पढ़ने वाले हो, वचनों पर चलने वाले हो, शाबाश, आप आज्ञाकारी हो, आप लोगों को गवाही देने वाले हो, आपके बारे में परमेश्वर अच्छे अच्छे बातें ऐसा कहकर स्वर्गदूत को भेजे। सो आप सोचिएगा, आज रात स्वर्गदूत आपके पास आए तो आपसे क्या कहेगा, आपको सोचना है। परमेश्वर से आपको आशीष करें।